बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के नाम पर खूब ड्रामा किया है। जिस अस्पताल का उद्घाटन जेपी नड्डा किए हैं, वहां पर मरीजों के जांच का कोई इंतजाम ही नहीं है। अगर मरीज इलाज करवाने आए तो उन्हें 2 किलोमीटर दूर पुराने अस्पताल में जाना होगा। अस्पताल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन वहां पर मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और ये पूरा ड्रामा जेपी नड्डा ने करवाया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने करवाया, और इस पूरे ड्रामा का पोल बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खोला है। बताते चले हम आपको कि अश्विनी चौबे ने कहा कि अगर इस ड्रामा को सरकार नहीं संभालेगी, अगर सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी या अस्पताल को बेहतर तरीके से नहीं किया गया, तो अश्विनी चौबे आंदोलन पर उतरेंगे। बताते चले हम आपको कि दरअसल आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां मौजूदगी थी, लेकिन अस्पताल की दशा इतनी खराब है जिसका पोल अश्विनी चौबे ने खोला है। बताते चले हम आपको कि दरअसल 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है वहां जहां मरीजों का सबसे आधुनिक तरीके से इलाज होगा, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन के नाम पर खानापूर्ति की पोल खोली है। चौबे ने इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर जेपी नड्डा तक को पत्र लिखा। चौबे ने कहा कि भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन वहां मरीजों को भर्ती करने का कोई इंतजाम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही विभागों का ओपीडी चलेगा, वो भी आधा अधूरा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ऐसा बना है कि अगर मरीज को जांच लिखा जाएगा तो उसे जांच कराने के लिए 2 किलोमीटर दूर पुराने अस्पताल में जाना होगा, दवा के लिए भी 2 किलोमीटर दूर पुराने अस्पताल में ही जाना होगा। फिर ये कैसा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जहां ना मरीज भर्ती होंगे, ना जांच होगी और ना दवा मिलेगी। अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा कि इस अस्पताल का शिलान्यास 17 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन और सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के हाथों अस्पताल के शिलान्यास का बोर्ड अस्पताल परिसर में लगा हुआ था, लेकिन जेपी नड्डा के कार्यक्रम के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोर्ड ही गायब कर दिया गया। ये आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा और कहा कि अगर आप इसे अपने स्तर से ठीक नहीं करवाए, आपने अस्पताल का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अगर वहां पर मरीजों का इलाज नहीं होगा तो अश्विनी चौबे आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह पर उतरेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।